अगर आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड बदलना है, चेंज करना है और आपके पास आपके याद आपका पुराना पासवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है, मतलब आपके फ़ोन में आपकी जीमेल आईडी अभी लॉगिन है और आप कई बार फ़ोन चेंज करते हो या फ़ोन रीसेट करते हो या किसी भी वजह से आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है, पूरा डाटा उसका चला जाता है, अब आपको अपनी जीमेल आईडी का उसमें पासवर्ड नहीं पता कि जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, दोबारा से लॉगिन करने के लिए अगर उसको लॉगिन करना पड़े तो हमें हमारा पासवर्ड ही याद नहीं है, जब कभी फ़ोन लिया था तभी मेल आईडी लॉगिन की थी, उसी पर हमारे कॉन्टैक्ट है, उसी से प्ले स्टोर चलता है, यूट्यूब वगैरह चलती है, व्हाट्सएप का सारा बैकअप उसी पर है, उसका हमारा पासवर्ड याद नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आ जाओ आप अपनी जीमेल आईडी पर, जीमेल आईडी के ऐप पर जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होती है और यहाँ पर आप ऊपर आपको जो आइकन मिलता है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपकी जीमेल आईडी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। जैसे ये है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहीं पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, ये देखिए आपको इसी पर जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पर। यहाँ से आप जो है ध्यान से देखना, आपको मेल आईडी का आपका पासवर्ड चेंज करना है, मतलब आप अभी फ़ोन बदलना चाह रहे हैं और आपके याद आपका पासवर्ड नहीं है, तो पहले उसको जो है रीसेट कर लो, पासवर्ड नया बना लो, बिना पुराना पासवर्ड पता हुए भी आप नया पासवर्ड बना सकते हो, उसके बाद आप फ़ोन चेंज कर लेना, जो मर्जी चाहे कर लेना, उसे आप मेल को कहीं भी लॉगिन कर पाओगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर आए मैनेज योर गूगल अकाउंट पर, तो यहाँ पर इधर आओगे तो सिक्योरिटी पर आ जाओ। अब यहाँ पर जैसे आप आओगे सिक्योरिटी पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पासवर्ड का, ये देखिए पासवर्ड का, तो इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये ले जाएगा आपके जो है पासवर्ड को, कहेगा कि आप यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दो यहाँ पर हमारे याद तो हमारा पासवर्ड ही नहीं है, हमें कैसे एंटर करना है, तो यही आपको पता चलेगा कैसे आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो बिना पासवर्ड पता हुए भी पुराने वाला। तो यहाँ देखिए आपको फॉरगेट पासवर्ड मिल रहा है, तो यहीं पर आप क्लिक कर दो फॉरगेट पासवर्ड पर। कई बार ऐसा होता है जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो है फ़ोन नंबर मांगता है या रिकवरी मेल आईडी मांगता है या भाई वो वहाँ से कैप्चा जो है सोल्व करवाता है, पर वो होता नहीं है क्योंकि वो कहता है ट्राई अनदर वे। ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर यही आपके साथ आएगा कि ट्राई अनदर वे, कुछ भी ऐसा आ जाएगा जिससे आप जो है अपना पासवर्ड वहाँ पर रीसेट नहीं कर पाओगे। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ऊपर आपकी मेल आईडी आ रही है तो यहाँ से आपको कहेगा कि आप अपना फिंगरप्रिंट वगैरह लगा दो, जो भी आपका फिंगरप्रिंट है या लॉक स्क्रीन है जो भी है वो आप यहाँ पर लगा दो। उसके बाद देखिए जैसे ही आप वहाँ पर आए थे वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल गया, देखिए यहाँ पर आने के बाद न्यू पासवर्ड कन्फर्म न्यू पासवर्ड, तो अभी हमें अपनी मेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता था तो अब हम यहाँ पर नया पासवर्ड ऐसे जो है ऐसे क्लिक करके ऐसे नया पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे, जो भी हमारा पासवर्ड होगा वो यहाँ पर डाल देंगे। देखिए 12 यहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर भी 12 कर दूँ, ऐट द रेट कर दिया मैंने यहाँ पर, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए इसको, यहाँ पर भी ऐट द रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पासवर्ड इस तरह से आपको डाल देना है, तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। जैसे आप ऊपर नीचे दोनों सेम पासवर्ड डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दे आपकी इस मेल आईडी का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर तो ये लॉगिन रहेगी इस फोन में, पर अगर आप कहीं और लॉगिन करना चाहोगे तो इस नए पासवर्ड से ये आपकी मेल आईडी लॉगिन होगी। इससे जो है अगर आपकी मेल आईडी हैक है, आपका मोबाइल हैक है, तो वो भी रिकवर हो जाएंगे क्योंकि जिस मेल आईडी से हैक हुआ था उस मेल आईडी का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, तो सारी चीज़ें जो है आपकी ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी जो है मेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो बिना पुराना पासवर्ड याद हुए, बिना मोबाइल नंबर के, बिना किसी मेल आईडी के, अदर मेल आईडी के। तो यही सेटिंग थी, यही आपको अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक।